नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हम बसोली में आए हैं और यहाँ पर एक NGO है जो पेंटिंग सिखाता है। जो बसोली की इतनी फेमस पेंटिंग्स हैं वो इस NGO में सिखाई जाती है बच्चों को। और साथ ही साथ अगर हम पहाड़ी चित्रकलाओं की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करती है बसोली की फेमस पेंटिंग्स। और जो बसोली की पेंटिंग्स है वो चंबा से मिलती जुलती है, इसलिए इन पेंटिंग्स को हम पहाड़ी चित्रकलाएं जो हैं उनसे भी जानते हैं। साथ ही साथ जो पहाड़ी चित्रकलाएं हैं उनको 1960 में एक के हम कह सकते हैं स्वामी जी ने दो अलग अलग भागों में बांट दिया था। एक थी बसोली पेंटिंग और दूसरी जो थी वो थी कांगड़ा पेंटिंग। बसोली पेंटिंग्स जो होती थी उसमें प्रगति की सुंदरता को दिखाया जाता था, साथ ही साथ नारी राजा महाराजाओं के जो चित्र थे उनको दिखाया जाता है। और जो कांगड़ा की जो पेंटिंग्स हैं उनमें कृष्ण भगवान की हम कह सकते रास लीलाओं की पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स बनाई जाती है। और साथ ही साथ उनकी जितनी भी हम कह सकते दोनों के साथ होने की जितने भी हम कह सकते चित्र, उनकी यादें जो हैं वो इन पेंटिंग्स के थ्रू दिखाई जाती है। बसोली पेंटिंग्स जो हैं वो मुग़लों के टाइम से जो है वो चली आ रही है। साथ ही साथ हमें ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि जो हमारे देश की कला है वो देश भर में ही नहीं विदेशों में भी इसका जो सम्मान है वो किया जाता है। लंदन में म्यूज़ियम में भी बसोली की पेंटिंग्स जो हैं वो रखी गई हैं। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, हमारे देश की जो कला है वो देश भर में जानी जाती है। साथ ही साथ अमर पैलेस में भी ओरिजिनल हम कह सकते हैं ये बसोली पेंटिंग्स जो हैं वो रखी गई हैं। तो आइए यहाँ पे इन लोगों से हम बात करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे उनसे बात करते हैं और जो इन्हें ये चीज़ें सिखाते हैं उनसे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं इधर जो बच्चे जो हैं वो इन पेंटिंग्स को सीख रहे हैं, कितने समय से जो है वो इन पेंटिंग्स की कला जो है वो सीख रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आस्था बिलावरिया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 21 साल है। और आप कब से जो है ये पेंटिंग सीख रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ सीखते हुए 7-8 साल हो गए हैं। तो किस तरह से आपको इंटरेस्ट बना कि आपने जो है इन पेंटिंग्स पे अपना सारा ध्यान इन पे लगाया हुआ है? नहीं, ऐसे बचपन में इंटरेस्ट था मेरे को ड्राइंग में, तो यहाँ पे विश्वसली NGO वो पेंटिंग सिखाते थे, तो यहीं पे मुझे पता चला तो यहाँ पे सीखने आए, तो बस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सीखा और डेवलप किया अपने आप को। आपका क्या नाम है? सोनम जम्बोर। आपकी कितनी उम्र है? 27। आप कब से जो है बसोली पेंटिंग यहाँ पे सीख रहे हैं? 7-8 साल हो गए। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं कि आप इस समय किस तरह की बसोली पेंटिंग कर रहे हैं? मैं इस समय अमृत मंथन बसोली मिनिएचर आर्ट कर रही हूँ, जो है शिव जी जो अमृत मंथन था जो उन्होंने पिया था वही कर रही हूँ मिनिएचर आर्ट इसको। तो आपको इसका इंटरेस्ट कब से पड़ा कि आपने बसोली पेंटिंग्स जो हैं वो उसमें अपना जो कला है जो अपनी शो करनी है, कब से आपको इसका इंटरेस्ट जो है पड़ा? बसोली पेंटिंग पहाड़ी पेंटिंग है और ये फेमस है, तो बस इसलिए सीखा इसको। आपकी कितनी उम्र है? मैं 24 ईयर्स है। आपका नाम? डिंपल शर्मा। तो आप मुझे बता सकते हैं कुछ बसोली पेंटिंग के बारे में? ये मिनिएचर आर्ट है, काफ़ी सालों से यहाँ चल रही है और ये जो है इसमें बहुत सारा मतलब कि जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं एज प्रेजेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। और ये जो मैं बना रही हूँ इस टाइम पर ये राधा कृष्ण की पेंटिंग है, इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं जहाँ पे मिल्क ले रहे हैं, लेकिन इनका सारा का सारा फोकस जो है राधा के फेस पे है। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कितने समय से यहाँ पर इस NGO के साथ जुड़े हुए हैं, कब से ये पेंटिंग जो है वो आप करना सीख रहे हैं? मैं 6-7 ईयर से यहाँ पे हूँ और मैंने जैसे कॉलेज ज्वाइन किया था उसी के साथ ये भी ज्वाइन की थी। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से प्रॉपर वे में जो है इसकी टीचिंग्स जो है दी जाती हैं? जी, प्रॉपर वे में टीचिंग दी जाती है हमें यहाँ पे इसकी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस NGO के चेयरमैन जगदीश राज ब्रह्मी जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि इस NGO को आप कितने समय से जो है वो चला रहे हैं? ये NGO हमने जो है 93 में बनाई थी, इसके फाउंडर हैं शक्ति पाठक जी और मैं इस संस्था का चेयरमैन हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको विदित होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है बसोली पेंटिंग के नाम से जो है वो मशहूर है, और कोई भी दुनिया का म्यूज़ियम ऐसा नहीं है जहाँ पर बसोली पेंटिंग ना हो
इसके लिए अलग से आपको स्पेस मिलेगा, किसी म्यूज़ियम में जाइए, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। तो हमारी ये धरोहर है बसोली की, बसोली का नाम है इसमें, और ये जो कस्बा है ये भी हिस्टोरिकल कस्बा है। राजा महाराजाओं ने यहाँ, पाल खानदान ने इसको बसाया था 16वीं शताब्दी में। तो उसी खानदान में से एक हुए हैं राजा कृपाल पाल, जिन्होंने बसोली पेंटिंग यहाँ लाई, और उसके साथ साथ पश्मीना जो है, दो चीज़ों यहाँ पर वो लाए। और दो चीज़ें इसमें और भी थी, एक जो है अपना बनारस घराने से म्यूजिक संगीत, और आर्यवेदिक के मतलब वैद्य जो है यहाँ पर काफ़ी प्रख्यात रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम भी इतने अच्छे वैद्य थे कि उनको जब किसी का इलाज, अपना अंग्रेज़ों के घर में किसी को बीमार हो जाता था कोई, तो उसका इलाज करने के एवज़ में अमृतसर और डलहौजी में स्थान भी मिला हुआ, कोठी मिली हुई है उन्होंने, अंग्रेज़ों ने दी थी। तो ये चार चीज़ें यहाँ की मशहूर थी बसोली की, और इतिहासिक कस्बा है। लेकिन अपने 70 साल मतलब 75 साल आज़ादी के बाद तक भी यहाँ पर जो जो इतनी प्रख्यात चीज़ थी उसको बढ़ावा देने वाला कोई ना, तो सरकार ने इस और ध्यान दिया और ना ही लोगों ने भी, मतलब थोड़े बैकवर्डनेस थी, इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं लिया। लेकिन इसी टाइम में जो है, समझो कि आप 150 साल जो है बीच में गैप पड़ गया, तो ये हमारी जो धरोहर थी ये प्राय लुप्त होती जा रही थी। तो शक्ति पाठक जी जो है, ये उस टाइम जो है अपना MSc करके आए थे और PhD कर रहे थे, स्टार्ट की थी इन्होंने, तो इनके ध्यान में आया भी इसको जो है हम इसको बढ़ावा देते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर दीवान परवेश दीवान जी SDM आए, जब 74 में ये सब डिवीज़न बना और 76 में वो आए, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि बसोली पेंटिंग जो है इतनी प्रख्यात है तो मैं इसको करूं। उनके टाइम में यहाँ स्कूल खुला तो ज़रूर था, लेकिन वो 2-3 साल मतलब यहाँ पर रहा, उसमें एक दो बच्चे निकले जो आज भी थोड़ी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं। एक तो अपना एक्सक्लूसिव जो है पेंटिंग का ही काम कर रहा है, लड़का अच्छा है, और बाकी के और भी लोग हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, कोई एम्प्लॉय भी हैं और साथ में ये भी काम करते हैं। तो शक्ति पाठक जी ने कहा भी ऐसा करते हैं, थोड़ा चलो इनको इनिशिएटिव लेके थोड़ा काम शुरू करते हैं। तो हमने संस्था 93 में बनाई और इसको जो है 98 में हमने रजिस्टर करवाया, इसी अपने उद्देश्य से कि इसको जो है जो लुप्त हो रही है हमारी धरोहर, इसको बचाया जाए और इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो साथ में और फिर हमारे साथी जो है मिलते गए, तो आज जो है हमारे पास 40-45 हमारे साथी हैं, हम काम कर रहे हैं पिछले 27 साल से, और इसी को बढ़ावा देने के लिए। और बसोली पेंटिंग की आपको खासियत मिलेगी कि दो चीज़ें आपको मिलेंगी जो किसी और पेंटिंग में नहीं मिलेंगी। बसोली की खासियत है मिनिएचर आर्ट की कि इसके एक आँख और नाक ये सेपरेट है, इसी से पहचान है इसकी, क्योंकि जो आँख है वो बिल्कुल जैसे बादाम होता है उस तरीके से आँख जो बनाई जाती है, और नाक थोड़ी तीखी होती है, और कलर जो है इसमें वो स्टोन हाथ से, पहले तो हाथ से बनाते हैं, आजकल राजस्थान से मिलते हैं स्टोन, उनको अपना उसमें खरल में बना के जो है वो घिस के उसको बनाया जाता है, कलर इसके बनाए जाते हैं और इस पेंटिंग होती है। काफ़ी बारीकी का काम है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज तक कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं मिला कि कोई फंडिंग मिली हो जाए। ये साथी जो है इन्होंने अपने अपने सिम लगा रखी है, हर महीने हम पैसे कटाते हैं, उसी से आज तक जो है काम चल रहा है। तो ये था, उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, आप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के है एक कार्नर है सद्दल, जो 2014 में लैंडस्लाइड हुई थी उसमें जो है कोई 65 फैमिली जो है वो चली गई थी, बिल्कुल अपना उसके अंदर आ गई थी। तो वहाँ मैं गया था, बताते हैं जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला, राजस्व वालों ने पैसे दिए थे, क्वार्टर बने थे 10 क्वार्टर, हमने वो अब तैयार कर लिए, अब हैंड ओवर करने वाले जो बेनिफिशरी हैं उनको हैंड ओवर करेंगे, वो कंप्लीट है हमारे। तो भी हमें NGO की तरफ से भी आप काम करिए, तो हमने वो काम किया, 10 क्वार्टर तैयार हैं वो अभी। तो आपने देखा कि हमें, हमारे साथ जो चेयरमैन थे उन्होंने हमें बसोली के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH1 News।